नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं द विश्व प्रेम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। मनोहर लाल का फरमान विधायकों के लिए नहीं है आसान। ऐसे में क्या करेंगे विधायक, क्योंकि अब तक नहीं थे मनोहर लाल मेहरबान। कैसे चढ़ाएंगे 2024 के लिए गाड़ी, नहीं है राह आसान। ऐसा क्या है मामला, देखिए ये खास रिपोर्ट। मनोहर लाल खट्टर ने विधायकों से ज्यादातर शक्तियां ले ली हैं। तभी तो खट्टर से आए दिनों भाजपा के विधायकों की नाराजगी सामने आती रहती है। विधायक अपने वोट बैंक को मैनेज रखने के लिए कच्ची नौकरियों के साथ तबादले आदि करवाकर वोटर को खुश करते थे, पर अब वह सब नहीं हो रहा, क्योंकि मनोहर लाल ने अधिकतर अधिकार बदल दिए हैं। आए दिन विधायकों से ये भी सुनने को मिलता है कि उनके अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो फिर कैसे मनोहर लाल का फरमान सुनेंगे विधायक। जब अधिकारी विधायकों की सुनते नहीं है, विधायक के पास कच्ची नौकरियां नहीं दे सकते, तबादला नहीं करवा सकते, यही तो यहाँ होगा या फिर विधायक बेइज्जत ही होंगे। चंडीगढ़ में नाम ना छापने की शर्तों पर विधायकों ने ये सब बताया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में भाजपा विधायकों को जनता की शिकायतों के समाधान के लिए कम से कम 5 जनसंवाद बैठकें आयोजित करने को कहा, लेकिन इसमें एक पेच है। विधायकों को ये बैठकें अपने निर्वाचन क्षेत्रों के बाहर आयोजित करनी होगी। ये घटनाक्रम विशेष रूप से खट्टर सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर विधायकों को खुले दरबार बुलाने या सरकारी अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित करने से प्रतिबंधित करने के ठीक 2 महीने बाद आया है। हरियाणा सरकार के मीडिया सचिव प्रवीण आत्रेय के अनुसार विधायकों को इन जनसंवाद बैठकों के लिए अपने विधानसभा क्षेत्रों के अलावा अन्य विधानसभा क्षेत्रों का चयन करने का निर्देश दिया गया है, ताकि सरकार अधिकतम लोगों तक पहुंच सके। उन्होंने कहा, इस निर्णय का उद्देश्य सरकार की पहुंच का विस्तार करना और आबादी के बड़े वर्ग से जुड़ना है, ताकि उनकी चिंताओं को बेहतर ढंग से समझा जा सके। उन्होंने कहा, विधायकों को कम से कम 5 बैठकें आयोजित करने के लिए कहा गया है। हालांकि ये चाहे तो अधिक बैठकें भी कर सकते हैं, लोगों की शिकायतों का मौके पर ही समाधान करने के लिए उनके साथ स्थानीय अधिकारी भी होंगे। हालांकि विधायकों को शिकायत बैठकें आयोजित करने के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्रों से बाहर जाने का निर्देश सवाल उठता है। क्या इससे विधायक एक दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करेंगे और संभावित रूप से राजनीतिक तनाव पैदा नहीं होगा। जनसंवाद कार्यक्रम सीधे तौर पर 2024 के चुनाव का रोड मैप लग रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या विधायकों का ये फॉर्मूला कितना कारगर सिद्ध होता है। ये तो आने वाला समय बताएगा। उससे पहले आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश।